أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما Welcome to Dari Erkam School. This is a class 7 countdown. Okay, student. We have learned about the finite set, infinite set, disjoint set and overlapping set. Now we will learn about equivalent set, equal set, universal set, subset and proper subset. Equivalent set. Sets which have an equal number of elements, equivalent set, need not have exactly the same elements. Set J is equal 1, 4, 6 and K is equal A, B, C. These two sets are called equivalent sets. दो सेट्स अगर हमारे पास हों और उनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं लेकिन उनके नंबर्स उनकी तादाद सेम है तो उनको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. यहाँ पे भी थ्री एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी थ्री एलिमेंट्स हैं इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट होगा. हालांकि इनके नंबर एलिमेंट्स सेम नहीं है. यहाँ आप देखें तो 1, 2, 1, 4, 6 काउंटिंग नंबर्स हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन उनकी तादाद सेम है तो इसलिए इसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा. अनदर एग्जाम्पल इसकी ए इज इक्वल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड बी इज इक्वल नेचुरल नंबर लेस देन 9. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और नेचुरल नंबर्स 9 से अगर लेस हों तो वो भी 8 हैं तो इसलिए ये भी इक्विवेलेंट सेट होगा. दोनों के नंबर्स तादाद बराबर है. दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट. बोथ सेट ए एंड बी हैव 8 मेंबर्स ईच. Even though the members are completely different, these sets are equivalent set. Now, I am telling you about equal sets. Sets which contain the same elements is called equal set. Example, L is equal 2, 4, 6 and M is equal X is the positive multiples of 2 less than 7. These two sets are equal set. इक्वल सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का सेम होना भी ज़रूरी है. उनके नंबर्स का सेम होना, उनकी तादाद का सेम होना भी ज़रूरी है और दोनों एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है. अब यहाँ पे सेट L 2, 4, 6 ये इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 6 तक. मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 7. अगर हम 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं 7 से कम, 7 से छोटे, तो वो भी 2, 4, 6 ही होंगे. इसलिए दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे. 2 के मल्टीपल्स अगर 7 से छोटे लिखे जाएं तो वो 2, 4, 6 ही हैं. दोनों सेम एलिमेंट्स हैं तो इसको इक्वल सेट कहा जाएगा. अनदर एग्जांपल, ए इज इक्वल इवन नेचुरल नंबर एंड बी इज इक्वल मल्टीपल्स ऑफ 2. अगर आप नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स लिखते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे. 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर इवन नंबर होते हैं और 2 के मल्टीपल्स भी वही होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा. बोथ सेट्स ए एंड बी कंटेन द एलिमेंट 2, 4, 6, 8 डॉट, हेंस दे आर इक्वल सेट्स. नेक्स्ट आपको बता रही हूँ मैं यूनिवर्सल सेट. अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. अगर आपको दो सेट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है जे जनवरी जुलाई एंड जून और सेट ए इज इक्वल अप्रैल एंड अगस्त. अब दोनों सेट्स में देखें कि मंथ लिखे हैं, मंथ ऑफ द ईयर. जे सेट में जे से शुरू होने वाले मंथ हैं और ए सेट में अप्रैल अगस्त से शुरू होने वाले सेट हैं. दोनों कंसिडरेशन सेट्स कहलाएंगे. यूनिवर्सल सेट वो होता है मंथ ऑफ द ईयर. अब मंथ ऑफ द ईयर में सारे के सारे मंथ जो दोनों सेट्स में हैं वो खुद बहुत उसमें आ जाएंगे क्योंकि जब हम मंथ ऑफ द ईयर लिखेंगे तो जनवरी टू दिसंबर, उसमें जून जुलाई और जून भी होगा, सॉरी जनवरी जून और जुलाई भी होगा, अप्रैल और अगस्त भी बीच में होगा. तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा. एक ऐसा सेट जो कि दिए गए दो सेट के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है. सबसेट, अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट, द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट. एग्जाम्पल, ए इज इक्वल 2, 4, 6 इज द सब सेट ऑफ बी इज इक्वल 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए.
सब सेट और सुपर सेट क्या होगा? अगर आपको ए सेट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट है 2, 4, 6 और दूसरा सेट है बी 2, 3, 4, 5, 6, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो उसमें दिए गए हैं वो बी बी सेट में मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और बी को सुपर सेट कहा जाएगा क्योंकि वो ए सेट की निस्बत बड़ा है, उसमें ए सेट के भी तमाम अरकान मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसमें इसके अलावा और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो बी इज द सुपर, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सैंपल है। लाइक सी सी की तरह लिखा जाता है इसको, इसको सबसेट का सैंपल कहा जाता है कि ए सबसेट है बी का। ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये सैंपल शो कर रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हैं। एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी ए का सुपर सेट इसलिए है कि बी में ए के तमाम अरकान मौजूद थे और बी बिगर है ए से, बी सेट इज बिगर देन ए, सो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये सुपर सेट का सैंपल होगा। सी उल्टा सी जिस तरह से लिखा जाता है इस तरह से आप लिख लें तो ये सुपर सेट का सैंपल कहलाएगा। ओके, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नल सेट कहते हैं खाली सेट को जिसमें कुछ भी ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है उसको आप नल सेट कहेंगे। और जब आप किसी सेट का सबसेट निकालते हैं तो सबसे पहले नल सेट लिखा जाता है, ये देखिए नल सेट है, ब्लैंक एम्प्टी सेट है। फिर उसके बाद उसका एक एलिमेंट लिखा जाता है 2, फिर 4 एंड 6, तीनों एलिमेंट को सेपरेट करके लिखेंगे। फिर टू टू एलिमेंट्स आप लेके लिखेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 6, उसके बाद 4 एंड 6, और फिर तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इक्विवेलेंट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, सब सेट और सुपर सेट की समझ आ गई होगी, अपन अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।